अब और कष्ट नहीं। निष्कर्ष यह है, कष्ट अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक है। बायरन केटी। आप कष्ट उठाने के लिए नहीं आए हैं, और जब आप अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के रूप में जिएंगे तो आप कभी कष्ट नहीं उठाएंगे। कष्ट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपका जीवन कष्ट रहित हो सकता है, और वह भी इसी समय। दर्द शरीर का होता है, लेकिन कष्ट मन का होता है। एंथनी डी मेलो। आपके ज्यादा ऊंचे स्व को कभी कष्ट नहीं होता। दूसरी ओर आपके जाने पहचाने स्व को शायद ही कभी यह अंदाजा हो सकता है कि कष्ट कैसे ना आए। कष्ट नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने की वजह से उत्पन्न होता है, इसीलिए कष्ट भी हम खुद ही खुद पर लादते हैं। मुझे यह पता चला कि जब जब मैंने अपने विचारों पर विश्वास किया तब तब मुझे कष्ट हुआ, लेकिन जब मैंने उन पर विश्वास नहीं किया तो मुझे कष्ट नहीं हुआ। और यह मेरे ही नहीं, हर इंसान के बारे में सच है। स्वतंत्रता बस इतनी ही आसानी से मिल सकती है। बायरन केटी। जब भी आप कष्ट उठाते हैं तो आपका कष्ट एक ही विचार में समाहित होता है, मैं इसे पसंद नहीं करता। दूसरे शब्दों में, हम किसी अकेले सतही महत्वहीन विचार को अपनी खुशी बिगाड़ने की अनुमति देते हैं। रूपर्ट स्पायरा। हमारा मन जीवन की परिस्थितियों पर नहीं 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 की प्रतिक्रिया करता है, जबकि जागरूकता हमेशा हर चीज पर हाँ 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 की प्रतिक्रिया करती है। जागरूकता तो नहीं को भी हाँ कहती है। मेरी गुरु। नहीं कहने से वह चीज आपके पास रुकी रहती है जिसे आप नहीं चाहते। दूसरी तरफ आप जिसे नहीं चाहते उसे हाँ कहने से आपका प्रतिरोध मुक्त होता है, और जिससे आपकी अनचाही चीज को बदलने की अनुमति मिल जाती है। यह सहज बोध के विपरीत लगता है, लेकिन यह इसी तरह होता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं यह नहीं चाहता, तो आप प्रतिरोध कर रहे हैं, और जैसा आप अब समझ गए हैं, आप जिसका भी प्रतिरोध करते हैं वह कायम रहता है। यदि आप स्वीकृति की इस अवस्था में रहते हैं तो आप नकारात्मकता उत्पन्न नहीं करते और कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं, दुख उत्पन्न नहीं करते हैं। तब आप गैर प्रतिरोध की अवस्था में जीते हैं, अनुग्रह और हल्केपन की अवस्था में जीते हैं, संघर्ष से स्वतंत्र हो जाते हैं। एकार्ट टोले। जो है मैं उससे प्रेम करती हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि जब मैं वास्तविकता से बहस करती हूँ तो इससे कष्ट होता है। बायरन केटी। यदि आप इस पल प्रतिरोध को पूरी तरह जाने की अनुमति दें और दोबारा कभी इसे शुरू ना होने दें, तो इस एक काम से आपके कष्ट का बहुत भारी बोझ कम हो जाएगा। जेन फ्रेजियर। जो हुआ है अगर हम उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं तो कोई संघर्ष नहीं रह जाता और स्थिति की ऊर्जा चली जाती है। अगर हम किसी चीज का प्रतिरोध ना करें तो वह चीज हमारे जीवन में कायम नहीं रह सकती। दूसरी ओर अगर हम होने वाली किसी चीज का प्रतिरोध करते हैं तो हम उस स्थिति को अपने लिए कायम रखेंगे और आगे भी कष्ट उठाते रहेंगे। अद्भुत शिक्षक सेलर बॉब एडमंडसन कहते हैं कि अनुभवों का मूल्यांकन बिना किए आने जाने की अनुमति दें। सिर्फ पकड़ने, लटकने या प्रतिरोध करने और दूर धकाने से ही मनोवैज्ञानिक कष्ट का बंधन उत्पन्न होता है। पीटर लॉरी। ज्यादातर लोग यह विश्वास करते हुए अपनी कब्र में चले जाते हैं कि कष्ट से बचना संभव नहीं है। यह कितना दुखद है। यदि आप इससे भिन्न स्थिति की संभावना से विमुख हो जाते हैं तो आप जब तक जीवित रहेंगे नाहक कष्ट उठाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपके कष्ट का अंत हो जाएगा, और यह उस स्वतंत्रता का बहुत छोटा सा लाभ है। असली चमत्कार पीड़ा का जड़ से खत्म होना नहीं, बल्कि यह है कि उस खाली हुई जगह में समृद्धि सैलाब की तरह भर जाएगी। जेन फ्रेजियर। कष्ट का अंत तुरंत। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ हो सकता है उसे समझना आसान ना हो, लेकिन अगर आप इस बात को समझ सके तो आप तुरंत ही अपने कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। हमारा मन ऐसा महसूस कराता है मानो हम कष्ट उठा रहे हैं, और जाहिर है अगर हम बिना सवाल किए अपने मन के दिलाए गए इस एहसास पर विश्वास करते हैं तो हम भारी कष्ट में जीते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप वह नहीं है जो कष्ट उठा रहा है, आप तो वह हैं जो कष्ट के बारे में जागरूक है। जो कष्ट उठा रहा है वह उस स्व के बारे में है जिस पर आपने विश्वास कर लिया है, लेकिन वह स्व दरअसल वह नहीं है जो आप सचमुच हैं। कष्ट का अंत तब होता है जब आप इस बात को पहचान जाते हैं कि कष्ट उठाने के लिए कोई नहीं है। हेल डेविस्किन। मेरी गुरु कहती हैं कि आप खुद से यह सवाल करें, क्या कष्ट मैं उठा रहा हूँ या मैं वह हूँ जो कष्ट के बारे में जागरूक हूँ।
अगर आप मन के इस सुझाव पर विश्वास करना छोड़ सकते हैं कि हम कष्ट उठा रहे हैं, तो कष्ट का अंत तुरंत हो जाएगा। एक बार जब हम मन की प्रकृति को समझ लेते हैं तो कष्ट का अस्तित्व नहीं रह सकता। बायरन केटी। जागरूकता द्वार खोलती है और उन सारे विश्वासों, रायों और विचारों को खत्म कर देती है जो आपकी खुशी की स्वाभाविक अवस्था के रास्ते में आते हैं और उसे ढक लेते हैं। एंथनी डिमेलो। कोई हैरानी नहीं कि जब कष्ट की मशीनरी बिखर जाती है और मन शांत हो जाता है तो ऐसा एहसास होता है कि आप घर आ गए हैं, घर ने आपको खोज लिया है। यह अक्सर आभास होता है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वहां पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हों, कम से कम चेतन रूप से तो नहीं। या शायद आप ऐसा कर रहे थे लेकिन अब आपको यह दिख जाता है कि आप उसकी तलाश गलत जगहों पर कर रहे थे। जेन फ्रेजियर। खास तौर पर एक विश्वास है जो संसार के सारे कष्टों का मूल कारण है। वह विश्वास यह है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं। आपका मन इस विचार पर आपको विश्वास दिला देता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, इसीलिए आप बहुत असुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां गलत हो सकती हैं। अगर आप अलगाव के मन की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से अपने मन के नियंत्रण में रहेंगे। आपका मन डराने वाले विचार लगातार भेजेगा जो आपको यह एहसास कराएंगे कि आप असुरक्षित हैं, आपके साथ बुरी चीजें हो सकती हैं और आप तथा आपका जीवन सीमित है। दुखद बात यह है कि अगर आप इस तरह के डर भरे विचारों पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका जीवन ऐसा ही बन जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बहुत विपरीत है। हम अलग नहीं हैं। ऐसा नजर आता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं और हम एक अलग व्यक्ति होने का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन अगर हम स्थायी खुशी से भरा भव्य जीवन जीना चाहते हैं तो इस सत्य के प्रति जागरूक बने कि आप असीमित शाश्वत चेतना जागरूकता हैं और हम सब एक ही हैं। समस्याओं का अंत। जब कोई चीज हमारी अपेक्षा से अलग तरीके से होती है या जब हम महसूस करते हैं कि कोई चीज गलत हुई है तो हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारे सामने एक समस्या है। देखिए, किसी समस्या पर हमारे मन की त्वरित प्रतिक्रिया होती है, मैं यह नहीं चाहता। लेकिन समस्याओं का अस्तित्व सिर्फ मानव मन में ही होता है। एंथनी डी मेलो। समस्याएं वास्तविक नहीं है, समस्याएं केवल काल्पनिक है। कोई समस्या नहीं है, यह असंभव है। आप जो हैं वह समस्याओं से मुक्त है। समस्याएं निर्मित होती हैं, उनमें से प्रत्येक सारी समस्याएं स्मृति पर आधारित होती हैं। इस पल में कोई समस्याएं नहीं है। यदि कोई मानव मन ना हो तो कोई समस्याएं भी नहीं होंगी। सारी समस्याओं का अस्तित्व मानव मन में होता है, सारी समस्याओं का निर्माण मन करता है। सच तो यह है कि समस्याएं सिर्फ एक और कहानी है जिन्हें हमारे मन के विचारों ने उत्पन्न किया है। यह मन है जो किसी हो चुकी चीज के बारे में कहानी बनाकर जीवन की व्याख्या करता है और इसे एक समस्या में बदल देता है। समस्या रहित जीवन का अनुभव करने के लिए अपने मन पर विश्वास ना करें। इसके बजाय अपने मन के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। जब आप जागरूकता के रूप में ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो आप स्पष्टता से देखेंगे कि समस्याएं काल्पनिक सीमाएं हैं। आप असीमित जागरूकता हैं, इसीलिए आपको एक भी समस्या कैसे हो सकती है। यह तो वैसा ही है जैसे आप अपना हाथ आग में डाल दें और फिर कहें, ओह यह तो गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, ओह मेरे पास एक समस्या है, और फिर आप अपना हाथ दोबारा आग में डालें और ऐसा लगातार करते रहें जब तक कि एक दिन आपको यह ना दिख जाए कि आप क्या कर रहे हैं और फिर आप रुक जाएं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप अपना हाथ किसी समस्या में डाल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इससे चोट पहुंचती है, और फिर आप इस तरह अभिनय करते हैं जैसे आप इसमें अपना हाथ नहीं डाल रहे लेकिन आप ऐसा ही कर रहे हैं। लेस्टर लेवेंसन। सारी समस्याएं अहंकार से आती हैं। जब आप किसी समस्या को वैधता प्रदान नहीं करते हैं तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। मुश्किल यह है कि जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि आपके पास एक समस्या है तो आपको निश्चित रूप से एक समस्या का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप इस बारे में जागरूक हो सकते हैं कि दरअसल मन और इसके विचार आपको एक और नकारात्मक कहानी बता रहे हैं तो आप किसी भी ख्याली समस्या को घुलने और गायब होने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आपका नया विश्वास अब इसे आपके या संसार के प्रति कायम नहीं रख रहा है। जो भी कहता है मुझे परेशानी है, उसके मन में यह परेशानी रहती है। यह एकमात्र जगह है जहां यह रहती है, क्योंकि आप किसी चीज को अपने मन के सिवाय किसी दूसरी जगह नहीं देख सकते या ध्यान में नहीं ला सकते।
आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी अनुभूत करते हैं, वह आपके मन में और उसके जरिए है। हर चीज यहीं पर रहती है। लेस्टर लेवेंसन। मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली बात बताने जा रही हूँ। किसी भी समय कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ प्रेम की कमी है। मेरी गुरु। जब आप किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करते हैं, जब आप हर चीज को जस की तस स्वीकार कर लेते हैं, तो यह प्रेम है। जहाँ प्रेम मौजूद होता है, वहां कोई समस्या मौजूद नहीं हो सकती। इसी कारण कोई समस्या उसे स्पर्श नहीं कर सकती जो आप सचमुच हैं, क्योंकि आप शुद्ध प्रेम हैं। यह प्रेम इतना पवित्र है कि हमारा मन इसकी कल्पना नहीं कर सकता। यह पूरी तरह स्वागत करने वाला है, स्वीकार करने वाला है, सबकी अनुमति देने वाला है और पूर्णता अनासक्त है। यह उसी तरह का प्रेम है जो बुद्ध, ईसा मसीह, लाओत्सो, कृष्ण और कई अन्य प्रभु जीवों ने दिखाया है। और आप पवित्र प्रेम हैं, इसीलिए आपके पास कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन जब आप खुद को सीमित व्यक्ति मान लेते हैं, तो इस दृष्टिकोण से समस्याएं वास्तविक नजर आती हैं। हमारे मन की प्रतिक्रिया असीमित जागरूकता के विपरीत होती है, और यह किसी चीज को जस की तस स्वीकार करने और उसकी अनुमति देने से इनकार करता है तथा प्रतिरोध करता है। जीवन स्वाभाविक और सहज परिवर्तनों की श्रृंखला है, उनका प्रतिरोध ना करें। इससे सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता रहने दें। चीजों को स्वाभाविक रूप से उसी तरह आगे प्रवाहित होने दें जैसा वे चाहती हों। हम चीजों को जैसा चाहते हैं, जब उन्हें वैसा बनने के लिए विवश करने की कोई कोशिश नहीं करते और इस दिशा में कोई भावनात्मक निवेश नहीं करते, तो वे आगे बढ़ने और खुद को सुलझाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। द सीक्रेट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर मैंने पाया कि जब मैं खुश होती हूँ, तो मेरे जीवन में शायद ही कोई समस्या रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुशी के दृष्टिकोण से समस्याएं या तो प्रकट ही नहीं होती, या फिर वे इतनी छोटी होती हैं कि वे मेरी खुशी को विचलित नहीं कर पाती हैं। जब मैं खुश होती हूँ, तो समस्याएं चींटी की बांबियों जितनी छोटी दिखती हैं। दूसरी तरफ जब मैं निराश होती हूँ, तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी नजर आती हैं। इसीलिए क्या इस बात में समझदारी नजर नहीं आती कि अगर हम खुशी के चरम स्तर पर रहें, अगर हम यह जान लें कि हम कौन हैं, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। संसार में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप अंत खोजने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा संसार की समस्याओं को सुलझाते रहेंगे और फलस्वरूप आपके सामने हमेशा ज्यादा समस्याएं आती रहेंगी। समस्याओं का अस्तित्व इसीलिए होता है क्योंकि आप उनके बारे में चेतन होते हैं। जब आप अपने सच्चे स्व को खोज लेते हैं, तब कहीं जाकर आपकी समस्याओं का अंत होगा। लेस्टर लेवेंसन। हमेशा हमेशा के लिए समस्याओं से स्वतंत्र कैसे हों? आप हर चीज से स्वतंत्र हो सकते हैं। पहले यह तय कर लें कि क्या आप समस्या को बदलकर, इसे दुरुस्त करके या इसका हिसाब लगाने की कोशिश करके समस्या पर अपना ध्यान देना चाहते हैं, या फिर आप इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। मेरी गुरु। जब मैंने अपनी गुरु को एक समस्या बताई जिसे मैं काफी बड़ा मानती थी, तो उन्होंने मुझसे नीचे लिखे गए शब्द कहे, आपको इनसे ज्यादा स्पष्ट शब्द नहीं मिल सकते। समस्या पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें। यह इच्छा छोड़ दें कि यह ज्यादा या कम हो जाए। यह इच्छा छोड़ दें कि यह चली जाए। इसे बदलने की इच्छा छोड़ दें। इसका हिसाब लगाने की इच्छा छोड़ दें। इसे नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दें। जब आप जागरूकता बनने का निर्णय लेते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। हर चीज जो प्रेम नहीं है, वह प्रेम के सामने घुल जाती है। जो भी वास्तविक नहीं है, वह हर चीज जागरूकता के सामने घुल जाती है। मेरी गुरु। जैसा द सीक्रेट में स्पष्ट किया गया था, जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान देते हैं, तो हम इसकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। इसीलिए जब हम किसी समस्या पर अपना ध्यान देते हैं, तो हम समस्या की ऊर्जा बढ़ा देते हैं, जिससे वह ज़्यादा बड़ी बन जाती है। किसी समस्या को दुरुस्त करने, इसे सुलझाने, नियंत्रित करने या मिटाने की कोशिश का मतलब यह है कि हम समस्या पर अपना ध्यान दे रहे हैं। जब हम समस्या से अपना ध्यान दूर हटा लेते हैं, तो समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि हमने इसकी सारी ऊर्जा को हटा दिया है। इसीलिए समस्या का गायब होना ही पड़ता है। यह आग से ऑक्सीजन हटाने जैसा होता है, आग बुझ जाएगी। देखिए, किसी समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करना इसे पकड़े रहना जैसा है। जिस भी चीज से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उसे हम अपने मन में रखे हुए हैं, और इसी वजह से वह समस्या कायम है। इसीलिए किसी समस्या को सुधारने का एकमात्र तरीका है इसे जाने देना। समस्या को ना देखें, जो आप चाहते हैं सिर्फ उसे देखें। लेस्टर लेवेंसन। एक बार जब आप अपना ध्यान किसी समस्या से हटा लेते हैं, तो इसके बाद अपने मन और विचारों को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर सकते हैं,
और अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। जहां भी ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। माइकल बर्नार्ड बेकविक। हम अपना ध्यान उस पर देते हैं जिसे हम नहीं चाहते और उम्मीद करते हैं कि इससे यह बदल जाएगा, जबकि यह सच के विपरीत है। हमें किसी समस्या को घोलने के लिए अपने ध्यान को हटाना होता है। मैंने एक बार किसी को कहते सुना कि समस्याएं अप्रिय मेहमान जैसी होती हैं। यदि आप किसी मेहमान पर कोई ध्यान नहीं देते तो वह चला जाएगा। अपने मन के नकारात्मक विचारों और कहानियों के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। इससे वे घुल जाएंगी और आप सारी समस्याओं और कष्टों से स्वतंत्र हो जाएंगे। यह उस खुशी और आनंद का बस एक और उदाहरण है जो आपको मिल सकता है जब आप उस जागरूकता के रूप में बने रहते हैं जो आप हैं। यह धीरे धीरे बढ़ता चमत्कार है। धैर्यवान बने। जीवन भर आप इसका उल्टा करते रहे हैं और जीवन के रहमो करम पर रहने पर विश्वास करते आ रहे हैं। यह उम्मीद ना करें कि पूरी चीज तुरंत ही शून्य हो जाएगी। जेन फ्रेजियर। अध्याय 8 का सार। आप कष्ट उठाने के लिए नहीं आए हैं और जब आप अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के रूप में जिएंगे तो आप कभी कष्ट नहीं उठाएंगे। कष्ट नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कष्ट हमारे खुद के लादे हुए हैं। जो हुआ है अगर हम उसका प्रतिरोध करते हैं तो हम उस स्थिति को कायम रखेंगे और कष्ट उठाते रहेंगे। खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं वह हूँ जो कष्ट उठा रहा हूँ या मैं वह हूँ जो कष्ट के बारे में जागरूक है? सच्चाई यह है कि आप वह नहीं हैं जो कष्ट उठा रहा है, आप तो वह हैं जो कष्ट के बारे में जागरूक है। खास तौर पर एक विश्वास है जो संसार के सारे कष्टों का मूल कारण है। यह विश्वास है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं। समस्याओं का अस्तित्व सिर्फ मानव मन में होता है। समस्याएं वास्तविक नहीं होती, समस्याएं केवल काल्पनिक होती हैं। समस्या रहित जीवन का अनुभव करने के लिए अपने मन पर विश्वास करने के बजाय अपने मन के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। जब हम किसी समस्या पर ध्यान देते हैं तो समस्या की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, इसीलिए यह ज्यादा बड़ी नहीं बन जाती। जब हम अपने ध्यान को समस्या से दूर हटा लेते हैं तो समस्या गायब हो जाती है क्योंकि हम इसकी सारी ऊर्जा को हटा देते हैं। जब आप अपना ध्यान किसी समस्या से हटा लेते हैं तो इसके बाद अपने मन और विचारों को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। अपने मन के नकारात्मक विचारों और कहानियों के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें तथा उन्हें घोल दें। इस तरह आप सारी समस्याओं और कष्टों से स्वतंत्र हो जाएंगे।